हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको F6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन का फेस लॉक काम नहीं कर रहा है, फेस लॉक में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में फाइल का ऐप होता है ये वाला, इस फाइल के ऐप को ना ओपन कर लेना है। अब देखिए, इस ऐप में आपको नीचे की साइड ये ऐप्स का ऑप्शन है, ऐप्स पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा हुआ ना, सिस्टम ऐप टैप करना है। अब देखिए, इस वाले पेज में आप नीचे आएंगे ना, तो आपको ये एक ऑप्शन मिल जाता है ये वाला, ये एंड्रॉइड सिस्टम, ठीक है। एंड्रॉइड सिस्टम का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। अब देखिए, एंड्रॉइड सिस्टम के इस पेज में आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहां पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका पेज आएगा, इसे ओके करना है, तो आपका कैच के सामने वाला डेटा ये जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपने जो भी पहले वाला फेस लॉक लगा रखा है ना फोन में, उस पहले वाले फेस लॉक को डिलीट करके एक नया फेस लॉक आपको सेट कर लेना है अपने फोन में, नया फेस लॉक, ठीक है। इससे फेस लॉक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, अगला काम ये करना है मोबाइल फोन का ना, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है, नीचे आपको सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। देखिए, यहाँ पर आपको ना इस वाले पेज में सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करना है, तो आपको इस वाले पेज पर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। इसमें सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है ये वाला, ये फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब देखिए, इस वाले पेज में आपको नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले भी दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।